हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि गर्मी पड़ रही है बहुत, तो कुछ मीठा खाने का मन कर रहा होगा। सर्दी तो है ही नहीं, जो गाजर का हलवा बनाए तो बनाइए ना, ज़रूरी थोड़ी ना गाजर का ही बनाना है। बनाइए, परवल का हलवा बनाइए और खाइए। देखिए मैं आज परवल का हलवा बना रही हूँ, उसकी रेसिपी बता रही हूँ, आप लोग बनाइए। तो देखिए हमने 4 परवल ले लिया है, उसको अच्छी तरह से धो लिए। अब हम इसके ऊपर से छिलका छील देंगे। देखिए छील दिए और इसका बीज निकाल दिए, क्योंकि इसमें बीज का इसका कोई काम नहीं है। देखिए, और अब हम इसको सबको कद्दूकस कर लेंगे। तो कद्दूकस ले लिए, देखिए हम इस चारों उसको परवल को कद्दूकस कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें थोड़ा ही बना रहे। तो कद्दूकस कर लिए सबको। तो देखिए मेरा कद्दूकस हो चुका है परवल। अब इधर हम कढ़ाई में थोड़ा घी डाल देते हैं। घी मेरा गर्म हो गया, अब उसमें जो परवल घिस के रखे थे और परवल डाल के उसको भूनते हैं। इसमें घी में इसको कम से कम 5 मिनट तक भूनना है, जब तक ये गल ना जाए। तो देखो फ्रेंड, मेरा परवल गलने लग गया है, कलर भी चेंज हो रहा है इसका, कितना अच्छा लग रहा है, घी छोड़ने लग गया सब। अब इसमें हम आधा कटोरी दूध डाल देंगे। आप चाहे तो खोया भी डाल सकते हैं, लेकिन हम दूध ही डाल रहे हैं। तो दूध डाल के हम इसको सूखने तक पकाएंगे। तो दूध लगभग सूखने लग गया है, देखिए। अब इसमें हम आधा चम्मच इलायची का पाउडर डाल देंगे। चाहे तो आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, हमने इलायची का पाउडर डाला हुआ है। इलायची का पाउडर डाल के इसको हम और पका रहे हैं। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट काट के रख लीजिए आप, अपनी मर्जी से जितना आपको अच्छा लगे, काजू बादाम जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। और आप इसमें मीठा अपने हिसाब से, कम ज़्यादा जितना खाते होंगे। तो हमने इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दी है। चीनी डाल के हम इसको और चला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड कितना अच्छा बन रहा है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। ज़रूरी नहीं है कि हम सूजी का ही हलवा खाएं, देखिए कितना अच्छा बन गया है। तो आप भी एक बार बना के खाइए, अभी परवल बहुत मिल रहा है मार्केट में, फटाफट लाइए, बनाइए और खाइए, खा के बताइए कैसा बना है, कमेंट करके बताइए। हमें तो बहुत टेस्टी लगता है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जैसे लग रहा है मूंग दाल का हलवा है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।